वजीरेआजम साहब कह रहे थे कि बेशक हम मांगने नहीं जाते, लेकिन अगलों को पता चल जाता है हम मांगने आए हैं। वो वज़ीर-ए-आज़म साहब की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि बेशक हमने हाथ में नहीं पकड़ा होता कशकोल, लेकिन वो जो हमारे सामने दोस्त होते हैं उनको पता है इन्होंने बगल में कशकोल लगाया हुआ है। तो ताड़ साहब यार रेपुटेशन हो गई है वज़ीर-ए-आज़म की ये। आज चीमा साहब आज दी रेपुटेशन थोड़ी थोड़ी 76 साल तो सर मैं शायद थोड़े सेगमेंट से 10 बैठा जो पहला ट्रिप आया था यहाँ पे, पहला फर्स्ट ट्रिप केम टू अमेरिका फ्रॉम पाकिस्तान 1947, उसने भी पैसे मांगे थे और इनके पास इन्होंने पैसे नहीं दिए थे, कंबल और टेंट दिए थे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अब पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा अमेरिका ने एक बार तो पहले चाइना को खूब अच्छी तरीके से साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे चाइना इतना खतरनाक हो गया कि अमेरिका के लिए चुनौती बनना स्टार्ट हो गया। अब किसी भी तरह चाइना को अमेरिका रोकने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए भारत का साथ दे रहा है। देखा होगा चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की किस तरह से अमेरिका मदद कर रहा है, और अंदर ही अंदर अमेरिका को भी यह डर सता रहा है कि कहीं हम दूसरा चाइना तो तैयार नहीं करने जा रहे हैं। और अब जो दोस्तों समुद्री रास्ते के जरिए जितनी ट्रेड होती है उसके लिए आपने देखा होगा इंडियन नेवी ने 5,000 से ज़्यादा लोगों को तैनात किया, और सारे देशों को किस तरह भारत सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है तो उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया देखे किस तरह से कह रहा है कि सबसे ज़्यादा ट्रेड चाइना की होती है, लेकिन यह काम भारत कर रहा है, बल्कि यह चाइना को करना चाहिए। चाइनीज दोस्तों आप जानते हो कि किसी भी तरह ऐसी जगह पर जाना नहीं चाहते जहां पर थोड़ा बहुत भी खतरा हो। किस तरह से एक बार पहले भी चाइनीज सैनिकों की फोटो वायरल हुई थी कि जब उनको भारतीय बॉर्डर पर लाया जा रहा था तो वह किस तरह बसों में चीख रहे थे। तो दोस्तों चाइनीज ऐसे सिपाही, और चाइना के पास वो वाली फौज नहीं है कि जो किसी भी तरह और किसी भी माहौल में जाकर अपना रुतबा जाहिर कर सके। इंडियन नेवी ने दोस्तों जिस तरह समुद्र में अब दबदबा बनाया हुआ है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह भारतीय नेवी की तारीफ कर रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आपको नहीं लड़ रहे उसकी वजह अच्छी मतलब आपकी मॉरल और दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसलिए बनती है कि ये TTP वाले किसी और को नहीं मार रहे सिवाय आपके, चाइना को नहीं छेड़ रहे हो ना इंडिया को छेड़ रहे हैं, सिर्फ आपको मार रहे हैं। और दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बनती है कि आपने इनको असेंबल किया है, आपने इनको ट्रेन किया है, आपकी प्रोडक्ट है ये, आप इनको ओन करें प्लीज। और तीसरी बात अगली मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, इंडिया जो है दुनिया को फेवर नहीं दे रहा, इंडिया अपना तेल बचाता है, वहां पे तेल आ रहा है रेड सी से तो उसको बचा रहे हैं, अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके अगले बैठे हैं। तीसरी बात है चावल का, चावल उनका दुनिया में जा रहा है सारा, तो उसके ट्रेड को खुद प्रोटेक्ट करते हैं, उनका दुनिया के ऊपर एहसान नहीं है। हाँ चाइना चाइना फिलिपाइन के जाके सारा कब्जा करने के चक्कर चक्कर में नहीं है, फिलिपाइन के सारे जो उसका सी का सारा कब्जा करने के चक्कर में, वो साउथ चाइना सी का सारा इशू ही वो है सारे, उस जहां उनका इंटरेस्ट होता है वो जाते हैं वहां पर। जहां आज आज चाइना के ट्रेड को या तेल को रोकेंगे तो चले जाएंगे वहां पर, क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन इंडिया जो है वो सबसे बड़ी बात है अपने इन्फ्लेशन अपने रेट और अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां मौजूद है। हाँ साथ उसके वो अपने मसल भी फ्लेक्स करते हैं, जो कि इस वक्त दुनिया को परेशान, दुनिया परेशान है इस वक्त, गोरा यहाँ परेशान है भारत की तरक्की देखकर, ये मैं बता रहा हूं आपको बात। ये जो स्टेट डिपार्टमेंट के ये सारे जो ये बुढ़ासे निकाल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, इसके पीछे 8.4% तरक्की है उनकी। और तीसरी बात ये है चीमा साहब, इस मुल्क के अंदर भी इस अमेरिका को अब भारतीय चला रहे हैं, अमेरिकन अब जो है अमेरिका को चलाने की सलाहियत नहीं रखते, वो सारे बच्चे नशे पर है उनके इस वक्त। दिस वॉज द ओबामा ड्रीम कि बच्चे सारे नशे करें, और जो एकेडमिया है वो मुसलसल उनको बता रहा है कि अमेरिका इज अ बैड प्लेस टू बी, तुम्हारा नेशनल एंथम भी रेसिस्ट है, वर्ल्ड व्हाइट हाउस भी रेसिस्ट है, उसके बाद ये सारे स्टैचू भी गिराओ, कॉन्स्टिट्यूशन अपना खत्म करो और अमेरिका का नाम भी तब्दील करो और नशा करो, दबा के दम मारो दम, ये सारा वारदात ये हो रही है। बच्चे तो सारे इंडियन चला रहे हैं यहाँ पे आके, या वॉशिंगटन DC देख लें, सारे का सारा भारतीय चला रहे हैं इस वक्त, पैसा भी उनके पास है, अकल भी उनके पास है, इनके पास क्या है। पहले भी तो पायरेसी करते थे, आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें अमेरिकन की, कोई इंटेलेक्चुअल इतने कौन से ये थे, मैं तो सारी पढ़ बैठा हूँ न्यू इंग्लैंड की हिस्ट्री, जहां इन्होंने आके यहाँ इंटेलेक्ट और पैसा जो लेकर आए थे सारा तो न्यू इंग्लैंड आया था, मेरे से 100 मील फासले पे मैं देख चुका हूँ बॉस्टन और सारा देख चुका हूँ मैं रोड आइलैंड और सारा जो उस एरिया कनेक्टिकट जहाँ यूनिवर्सिटियां बनी, जहाँ शुरू के 20 प्रेसिडेंट ही वहां से थे। लेकिन अब गेम इज ओवर, इनका टाइम पूरा हो चुका है चीमा साहब। और दूसरा मैं जो बता रहा था ना बात आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू क्रिएटेड दैट प्रोडक्ट, आपका बच्चा है वो, आप उसके माँ बाप हैं, तालिबान दोनों के, अच्छे तालिबान बुरे तालिबान और TTP आप इनके पेरेंट्स हैं, इनको ओन करें प्लीज।
दुनिया को, बल्कि सारी दुनिया को चाहिए आप पे प्रेशर डाल के इनके, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप दुनिया को कहते हैं, कभी आप चाइना को कहते हैं, कभी अमरीका को कहते हैं, जब बच्चा आपका टीटीपी। और तीसरी बात यह है कि इतना असला आप कहते हैं हमें ये है, सातवीं फौज अग्नि नेड़े हो बोल रहे हो, के नेड़े हो बोल रहे सरकार, चूरियां खाने वाले तुम फौजी बने पे हो सरकार, चूरी खाते हो, लंदन च लंदन पाउंदे हो, भाजपा प्रॉपर्टियां उत्थे दुबई दी प्रॉपर्टियां पेंदे हो, इधर इधर भी हो तुम, यू मेड इट, यू क्रिएटेड द मैस फॉर द होल वर्ल्ड, यू क्रिएटेड द मैस फॉर द एंटायर रीजन। मैटर ऑफ फैक्ट डॉक्टर साहब, हमने अकेले बनाया था कि अमरीका बहादुर भी हमारे साथ था, सऊदी पैसे ले सन चीमा साहब, तुम डॉलर ले ने, नहीं तो अकेले ले ने, नहीं चीमा साहब वैसे मैं अकेले ले तुम, अफगानी जंग सिर्फ तुसा पैसे बनाए ना, सऊदियों को भी ले पैसे, इन्हों को भी ले, और यहाँ तो बताया ना बांग्लादेश ने लिए साथ पैसे, तो अपने खून से गलतियां सही देख कर रहे हैं, बेचते रहे हो तुसी बंदे कह रहे जी हमने इतनी कुर्बानियां कुर्बानियां, वो तो कंटेनर ही डालर लेंदे रहे हो सरकार, वो तो गश पैन लगे ना जे भी तुम आ जाओ, लेकिन चीमा साहब ये पाकिस्तान बचाओ खुदा का नाम है, मेरी मिंतरला मान जाओ, अगे होके गल पवो इन्हों के, बारी आ गई जी दहशत करदी भी सिरे चढ़ी पई, इनफ्लेशन दे भी भैड़े हालात ने, IMF दे भी भैड़े हालात ने, तू सोचो तो सही तू जा कित्थे हो यार, तुसी किस जड़े जागना है, पता नहीं तुसी इस काम का अखीर वेखना चाहते हो, मेरी तो रिक्वेस्ट है 250 मिलियन बंदे नू खुदा दा ना जे अखीर ना वेखो, बहुत भैड़ा जे अखीर इहदा। वो वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि बेशक हम मांगने नहीं जाते लेकिन अगलों को पता चल जाता हम मांगने आए हैं, वो वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि बेशक हमने हाथ में नहीं पकड़ा होता कशकोल, लेकिन वो जो हमारे सामने दोस्त होते हैं उनको पता है इन्होंने बगल में कशकोल लगाया हुआ है, तो डॉक्टर साहब यह रेपुटेशन हो गई है वज़ीर आज़म की, आज चीमा साहब आज की रेपुटेशन थोड़ी थोड़ी 76 साल तो सर, मैं शायद थोड़े सेगमेंट से 10 बैठा, जो पहला ट्रिप आया था यहाँ पे, पहला फर्स्ट ट्रिप केम टू अमेरिका From Pakistan, 1947, उसने भी पैसे मांगे थे और इनके पास इन्होंने पैसे नहीं दिए थे, कंबल और टेंट दिए थे मुहाजरीन के लिए, जब आपकी बुनियादों में ये सारा कुछ ये हो, और फिर आपने उसके पीछे, उन्होंने तो IIT बना ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना लिया था 50s के अंदर ही, आपने तो फिर गैरिजन स्टेट बनाई है अयूब खान ने, फिर ऐसा बुनियादे रखी आपकी, पर रहे नाम साइन का, आज आज उसी का पोता जमहूरियत बचाने के लिए खड़ा है सामने, वाह। डॉक्टर साहब गजा में क्या हुआ है, आज मैं डॉक्टर जय शंकर को सुन रहा था, बड़ी इंडिया थोड़ी बोल्ड पोजीशन ले रहा है, पहले इंडिया ने कैटेगोरिकली इजराइल को सपोर्ट किया है, अब इंडिया जो है वो एक जो इजराइल की जो जुल्म है उसके ऊपर बड़ा बात कर रहा है, आज डॉक्टर जय शंकर भी कह रहे थे कि भाई जो टू स्टेट सोल्यूशन है फलस्तीन को वो डिनाई किया गया है, और दूसरा ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अमेरिका साइलेंट रहा है और रेजोल्यूशन पास हो गया है, तार साहब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इजराइल को रोक सकती है जो वो कर रही है, या क्या आपको लगता है कि ये कमजोर हैं, बस दे आर पेपर टाइगर। चीमा साहब 32,000 फलस्तीनी आज की डेट तक मर चुके हैं, 32,000 मर चुके हैं, और इनकी जो रेजोल्यूशन जो पास हुआ है यूनाइटेड नेशन का, उन्होंने अगलों ने मजाक उड़ाया, और दे आर उन्होंने अपने हमला एक घंटा भी नहीं रोके उसके बाद, इनकी रेजोल्यूशन के बाद उन्हें पता है कि अमेरिका बहुत वीक है, ओबामा इस मुल्क को चला रहा है किस तरीके, और रशिया ने कैलकुलेट किया, इनको प्रेसिडेंट शी ने कैलकुलेट कर लिया है, और इनको भारत ने भी कैलकुलेट कर लिया है, और मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस हूँ इस वक्त भारत से जो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहा है, जिस तरह मैं वो कहता था कि रीजन की इटानमी उस एरिया के अंदर, देखें मोदी साहब ने अगले दिन बात की है, यूलेंसकी से भी की है, यूक्रेन वाले से भी, और पुतिन से भी बात की, और फिर उसके बाद इसराइल के भी, और मजे की बात ये देखें इसराइल को सपोर्ट भी ना करना, और इसराइल 1,00,000 भारतीय इसराइल जा रहे काम करने के, दिस इज कॉल्ड द डिप्लोमेसी, दिस इज कॉल्ड द लीडरशिप, दिस इज कॉल्ड द लीडरशिप, और आपका जो मुर्शद है वो exactly उस दिन जिस दिन यूक्रेन वार शुरू हुई थी, he was in Russia, he was in Moscow, और वो कोई clarification नहीं दे सका कि why I'm here, why, कोई पता नहीं, ये आपके management के हालात, ये आपकी mindset के हालात, ये आपकी leadership के हालात, चीमा साहब मैं वैसे history will be written regarding two people history के अंदर, अपना मोदी साहब की leadership और डॉक्टर जयशंकर, you will mark it, Dr. Jay Shankar I think is a Henry Kissinger of the diplomacy, international diplomacy, I'm telling you, he's a dead caliber, aur ye ke
मैं और मैं मेरे ऊपर तो आपको पता है ना कि दोनों पार्टियां कोई आईएसआई का कह देता है, कोई राह का कह देता है, लेकिन मैं इनको कहूंगा कि खुदा रा पढ़ दे रहा करो, न्यूट्रल हो गए रिलीजियस बेसिस पे नहीं, परफॉर्मेंस बेस्ड लोगों की परफॉर्मेंस देखने की कोशिश किया करो. व्हाट मोदी हैज गिवन टू इंडिया, व्हाट इज डॉक्टर जयशंकर इज गिविंग टू इंडिया, व्हाट काइंड ऑफ नेशनलिस्ट दे आर, ये चीजें देखो जो मुझे इंस्पायर करती, व्हिच इज इंस्पायरिंग मी कंप्लीटली. डॉक्टर साहब आखिरी बात करते हैं, वो आपके शहर में ब्रिज गिर गया है, तो आप अक्सर बात करते होते हैं कि जो ना जो अमेरिकाज इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिप्लीटिंग. मेरा ख्याल है इस पुल के ऊपर से मैं आपके साथ भी कई दफा गाड़ी पे गुजरा हूँ, हम कभी कभी वो जाते थे ट्रैवल करते थे तो आपके साथ भी मैंने सफर किया हुआ है. शुक्र है उदूनी डॉक्टर साहब डिग गया है, बादू डिग गया है. तो बाल्टीमोर के तो देखा होगा दोस्तों समुद्र में जिस तरह भारतीय नेवी अपना दबदबा बढ़ा रही है और 5,000 से ज़्यादा दोस्तों भारत ने अपने नेवी के जवान वहाँ पर तैनात किए हैं, जिस समुद्री रास्ते से जिस तरह दुनिया भर की ट्रेड होती है और वहाँ पर चाइना भी सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है, लेकिन चाइनीज नेवी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह किसी भी रिस्क की जगह पर जाकर किसी भी तरह का कोई भी पंगा ले. तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अगर यह काम चाइना नहीं करते तो हम कर लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा पाकिस्तानी जो खुद की इनकी फौज है उनका भी आए दिन टीवी पे चर्चा होते ही रहते हैं कि उनके पास टैंकों में पेट्रोल डीजल तक नहीं है, तो नेवी के लिए तो दोस्तों बहुत कुछ चाहिएगा. तो पाकिस्तानियों के पास कुछ है नहीं, लेकिन यह बस चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं. और खासकर चीमा का आपने देखा होगा किस तरह से एक अलग अंदाज होता है कि भारत ये कर रहा है तो हम भी ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन इनके सब कुछ औकात से बाहर है. और आपको क्या लगता है जिस तरह पाकिस्तान में आतंकी माहौल सज रहा है उससे पाकिस्तान कितने दिनों में बिखर जाएगा, और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जो दोस्तों लोगों में इमरान खान ने जहर घोला था वह कब तक बीज से पौधा बन जाएगा? तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम.